हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये दूसरा पार्ट है ये वीडियो का, और जिसका कल कंप्रेसर ख़राब था उसकी एक मोटर भी ख़राब थी, मतलब मोटर निकाल के कहीं पर रख दी थी बाप। अभी नई मोटर लेकर के आए हैं, नया फैन ब्लेड है, अभी वैक्यूम कर रहे हैं इसका, देखते हैं क्या रहता है इसमें और चला के देखेंगे गैस रिफिल करके चलेगा कि नहीं चलेगा। और अभी ये 3 फेज का कनेक्शन आ गया है, बस इसी को रेडी कर रहे हैं अभी, इसकी वायर का कनेक्शन लगाते हैं, बस फिर चालू करते हैं इसको, देखते हैं। ये भी ठीक चलता है, नहीं है गैस वैस है इसमें या नहीं है। कनेक्शन कर दिए इसके 3 फेज का, एसी है ये वाला, तीनों फेस आ गए इसमें, न्यूट्रल आ गया और ये आपके इंडोर आ गया, टाइट। फूजी का एसी बिल्कुल रेडी है, इसमें गैस कंप्लीट है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, अभी ऑटोमेटिक चालू हो गया है ये, इसकी वायरिंग वगैरह सब ओके है और रिटर्न भी अच्छी आने लगी इसके अंदर। अभी इसको चलने देते हैं, रिटर्न आ गई है परफेक्ट एकदम, बस अब इसमें गैस डालते हैं इस वाले एसी में, फिर देखते हैं चलता है नहीं चलता है। और अभी बस नए वाले एसी की गैस खोल रहे हैं, क्योंकि इसी गैस पुली में नहीं थी, सिर्फ लगा के चले गए थे और कनेक्शन वगैरह सब हो रखे थे। इन्वर्टर एसी है ये कंसील्ड। फाइनली गाइस एसी हो गए सारे कंप्लीट, ये वाला भी चल गया जो ख़राब आ रहा था, बस उसमें क्या थोड़ा सा उसको झटका लगाना पड़ा, कंप्रेसर चिपका हुआ था जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा था, परेशान कर रहा था बार बार। और इसमें मोटर लगा दी और इसका फैन ब्लेड एक्चुअल में सेम मिला नहीं, तो इसमें जुगाड़ करना पड़ा है, ये थोड़ा बाहर आ रहा था फैन ब्लेड, इस वजह से इसमें पीछे बोल्ट लगा करके और लंबे स्क्रू से टाइट कर दिया, तो बिल्कुल फिक्स एकदम सेट हो गया बढ़िया, और एसी चल रहा है बढ़िया। सारे के सारे हो गए फाइनल, अब हो गया हमारा निकलने का टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही।